चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, योगेश पाल से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 219 है, जो कि मुंबई से है। तो योगेश, सबसे पहले 219 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो योगेश, आपके चेहरे से पता चल रहा है बहुत खुश है इस रैंक के साथ, और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी रैंक आई है। तो योगेश, जो आपकी इंटायर जर्नी है, मैं चाहूंगा, आप मुंबई से हैं और आपने ड्रॉप लेके ये रैंक अचीव की है, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है? कब निमसेट के लिए सोचा? फिर अगर आपने लास्ट ईयर दिया था तो क्या रैंक थी? फिर इम्पिटस के साथ आप जुड़े रहे, टेस्टिंग करी आपने, प्रॉपर एनालिसिस किया, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा और आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या थी? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन मैंने 23 में कंप्लीट किया, BSc ठीक मैथमेटिक्स है से। तो ठीक फिर है उसके बाद मैंने जॉब ट्राई किया, तो ठीक है। अच्छा, सिक्स जॉब भी मंथ्स ट्राई मैंने किया जॉब था? किया। हाँ हाँ सर, BSc मैथमेटिक्स था तो IT फील्ड में लाइक जॉब्स मिल नहीं रहे थे, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि MCA करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग, तो मैंने सोचा करना ही है तो बेस्ट जगह से करते हैं। देन फिर NIMCET का पता चला, तो ठीक है। नवंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया NIMCET के लिए पढ़ना। फिर बस वही नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया, देन आपके यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज किया और लास्ट लास्ट में मैजिकल कोर्स परचेज किया, बस उसके थ्रू ही प्रिपेयर किया सर। नहीं तो और वह जर्नी इम्पिटस में का सर ज़्यादा टेस्ट सीरीज और इम्पिटस का जो मेजिकल कोर्स है, अपने आप में पूरा कोर्स है अगर देखें आप तो, क्योंकि हाँ इसमें सर भी वो तो वो है। सब कंटेन होता है जो कई बार लोग नॉर्मली यल लॉन्ग बैच में भी देना मुश्किल होता है किसी के लिए। हाँ सर वो तो है ही है, मैजिकल कोर्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था सर, टाइम ही नहीं पड़ता था, इतना कहाँ से पढ़े, हाँ, ये इतने बिल्कुल सही वीडियोस आ बात, जाते थे बिल्कुल उसके। सर सही बोला आपने। तो योगेश, ये बताओ कि जब आपने पढ़ाई चालू कर दी, नवंबर से आप जुड़ गए थे, जब आप टेस्ट पेपर देते थे, तो टेस्ट पेपर में आपके जो हाँ स्कोर आते थे, किस तरह से एनालिसिस करते थे, और स्कोर जब अप डाउन आते थे, तो आपका क्या माइंडसेट रहता था? सर एक्चुअली बात ये है कि एंट्रेंस की जो जर्नी है ना मेरी, वो 12th के बाद से ही है। मैं आपको 2017 से फॉलो कर रहा था, ठीक है, NDA मैंने आपके वीडियोस देख के क्लियर किए थे, ओके तो उस वजह ओके से मेरा मैथ्स कॉन्ट एलआर पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। तो ये जो NIMCET की जर्नी मैं बोलूंगा सर, कुछ था ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो था मेरे लिए, क्योंकि पहले से ही सब पढ़ रखा था JEE वगैरह के लिए। तो जो था मुझे सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना पड़ा, तो मैंने कंप्यूटर में ही टाइम दिया। तो इसलिए मैथ्स में टेस्ट में स्टार्टिंग से एवरेज ही मार्क्स आ रहे थे। जब मॉक स्टार्ट किया था, फर्स्ट मॉक 350 था और 2 महीने में ही 500 क्रॉस कर गया था, तो लाइक इतना कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो था कंप्यूटर में था, स्टार्टिंग में जीरो था, लास्ट लास्ट में 70-80 पहुंच गया था, और योगेश, क्योंकि अभी नॉन आपने जो आईटी बात बैकग्राउंड था बोली, मेरा। कई बच्चे मेरे ऐसे हैं निमसेट में जो होते हैं, जो कि या तो जेई के थ्रू जुड़े होते हैं मुझसे या एनडीए के थ्रू, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं मैथ्स के साथ भी और मेरे साथ भी, तो इसका वो कहीं ना कहीं उनको वो एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वो आपके साथ भी अच्छी बात थी। नहीं सर एक्चुअली पहले जब आपके वीडियोस देखता था, जो आप मैथ सॉल्व करते हो ना, वो सेम ट्रिक से मैं भी करता हूँ। लाइक वो होता है ना टाइम, स्टेप्स नहीं लिखना, आप सबसे ज्यादा स्टेप्स गायब करते हो, मैं भी वही करता हूँ, तो इसलिए वेरी आपके साथ गुड, मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही बोला आपने योगेश। तो योगेश, ये बताओ कि आपने, क्योंकि ड्रॉप में तो आपको स्ट्रेस नहीं हुआ क्योंकि आपने डिसाइड किया था करना है तो अच्छा करना है, पर जब आप एग्जाम सेंटर हॉल में थे तो क्या माइंडसेट था आपका, क्या थॉट था आपका? सर एक्चुअली CET मेरा क्लियर हो चुका था, महाराष्ट्र CET, उसमें बहुत अच्छा परसेंटाइल था मेरा। तो उसके बाद एक हो जाता है कि एक बैकअप हो चुका है, तो लाइक NIMCET की प्रिपरेशन थोड़ी ड्रॉप हो गई थी। तो लास्ट लास्ट में थोड़ा सा मॉक टेस्ट देते वक्त मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा प्रेशर था वहाँ पे, तो ओके okay. यही एक थोड़ी गलती हो गई थी, तो फिर मतलब प्रेशर एक्चुअल हुआ में थोड़ा। सीईटी में आपके साथ कितने परसेंटाइल थे? 99 कुछ परसेंटाइल थे। हाँ, 99.9 मुझे याद है 99.9 परसेंटाइल का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, पर उस वजह से एक नुकसान भी हुआ कि थोड़ा निमसेट प्रिपरेशन डाउन हुआ, देन फिर आपने वापस उसको बूस्टअप किया, नहीं तो ये 219 की जगह हो सकता 99 होती, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ गड़बड़ हो नहीं जाती है। नहीं सर एग्जाम में एक्चुअली 2 मिस्टेक्स हो गई है ना, मेरी 90 रैंक पक्की थी। सबसे पहला ये हो गया कि मैथ्स में ना ऑप्शंस ABC पहले थे, उसके बाद जो थे वो जंबल्ड थे, ABCD, हाँ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे टोटल आई थिंक 4 क्वेश्चन थे जो मैंने राइट सॉल्व किए, बट ऑप्शन रॉन्ग लगा दिए, तो मेरे 60 ओके, ऐसे ही चले गए 60 तो ऐसे ही मैथ्स में। चलेगा, सही बात है। और LR में, हाँ LR में मार्क फॉर रिव्यू काउंट नहीं होता सर, ये मुझे पता नहीं था, मेरे ध्यान में नहीं था। मैंने एक राइट क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क फॉर रिव्यू में रखा था, वो भी 6 मार्क्स चले गए मेरे, तो नहीं, 7.5 ये हो गया, चले वरना गए। तो हाँ, 6 मार्क्स चले गए, तो आप सोचो 66 मार्क पे हाँ तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल कितने मार्क्स आए आपके 219 रैंक में? सर। 478 थे एक्चुअली, 478 में मेरा अगर टारगेट 60 ही जोड़ 500 लोगे का तो था ना आप 2 डिजिट रैंक में आ जाते हैं। सर, टारगेट ही 500 का था ना।
और मैंने उतना किया भी था, बट ये ऑप्शन का मुझे लास्ट में जब खत्म हुआ पेपर तब याद आया कि कुछ तो अलग हो रहा था। आप भूल गए, हमने लास्ट के कुछ पेपर में ये सब करा था, इम्पिटस में भी, पर वो कई बार होता है एग्जाम हाँ सेंटर पे, सिक्सटी। हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आता है। और ये सर पहला एंट्रेंस ऐसा था ना जिसमें ऐसा होता है, मैंने मतलब जे एनडीए वगैरह दिया था उसमें कुछ नहीं था ना ऐसा, तो वो एक आदत बैठ जाती है ना, सॉल्व किया ठीक किया चले बिल्कुल गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। anyway, अंत भला तो सब भला। तो ये योगेश, पहली बार थोड़ा अलग था। आपकी सक्सेस जर्नी बहुत अच्छी है, और अब आगे भी आप ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहें और एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करें। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा ये बताओ योगेश, आप अपने जूनियर्स थैंक को यू क्या सर। मैसेज देना चाहोगे? सर एक्चुअली मेरा मेरा जो जर्नी है वो पूरा बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैं जूनियर्स को बस एक ही मैसेज दे सकता हूँ कि लाइक कंसिस्टेंस बने रहो, डेली का 1 आवर पढ़ो, एक दिन 10 आवर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डेली 1 आवर ही पढ़ोगे बहुत है, और टाइम बहुत कम है सर, 2500 2600 कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही पता नहीं बोला, चलेगा बस इतना। बिल्कुल सही बोला। चलिए वंस और अगेन थैंक स्टडी, यू, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सर, क्या बोल रहे थे सर वही आप? कह रहा था कि स्टडी, मेरी बातें सुन के मतलब मेरे, क्योंकि मेरा तो पहले का मैंने बोला एंट्रेंस था और बीएससी मैथमेटिक्स था, तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट वो ये बातें सुन के वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो अपना करते रहे, क्योंकि बिल्कुल सबकी सही बात जर्नी अलग बोली थी कि होती है सर। सबका पास्ट अलग अलग होता है। जैसे आपका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रांग था, हाँ क्योंकि सर। एनडीए के लिए प्रिपरेशन किया था बहुत पहले और अच्छे से किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं फायदा हाँ आया। सर। जैसे कई बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसका फायदा उनको मिलता है, तो ये बिल्कुल सही बात बोली। हाँ बट सर। सबको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि सर जो आईटी वाले फ्रेंड्स थे उनका कंप्यूटर स्ट्रांग था, वो बस मैथ्स के लिए परेशान थे, मैं बस कंप्यूटर के लिए परेशान था, तो वही है कि सबका अलग है, तो उस हिसाब से सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली। तो चलो बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।